बदलत बाटी मानव बदलत बा हमन की चाल चलन लोप होते जात बा संस्कृति अपनात बाटे दूसरे के रहन सहन ये संस्कृति जगेरना के एक अनमोल खजाना कार्यक्रम संस्कृति सरोवर अब बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर देखे कि न भुलाल जी कार्यक्रम संस्कृति सरोवर स्वागत बा बुद्ध समुदाय टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर के हम संचार करात और हम के एक आगे मेरे की हमारे के समाज की विकृति और साथ मिला के हमारे जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सके और हमारे समाज के विषय में जान पहचान व्यक्ति से वहाँ के विचार आदान प्रदान के लिए पति आज हमारे ओम सत्य कंपनी का वार्ड नंबर 3 वार्ड अध्यक्ष चन्नर प्रसाद यादव जी से हमारे वहाँ से बातचीत कर दी कि हमारे के समाज में रहल तमानी निम्नुखा जनता पार्टी की आवाज कैसे बुलंद कर लिया था वहाँ वार्ड अध्यक्ष होने हमारे वहाँ से बातचीत कर दी। सबसे पहले कार्यक्रम में आपके स्वागत है। आप हमन के ओम सतिया गाँव पालिका में वार्ड नंबर 3 में आप जो कार्यक्रम लेके आवल गए आज हमन के दुख सुख शोध पूछ करते आवल गए आपके धन्यवाद स्वागत बा। वास्तव में इससे पहले हम समाज की सेवा करते हैं, समाज सेवक हुई। आज भी हमके यहाँ के जनता और यहाँ के अभिभावक होने के हमार जनता होने के हमारे अभिभावक हों, हम जनता के विद्यार्थी हुई, जनता के पक्ष में हरदम वकालत करब, जनता के पक्ष में हरदम करूँ। आते वैसे चुनावी माहौल में आप जो एक बातचीत मिले उतना गई एकदम आज आप बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछ ली बोलिए। वास्तव में चुनाव के पहले हम कहले रही वास्तव में चाम नहीं प्यार होला काम प्यार होला। तो वास्तव में जनता के घर घर में जाके समस्या कौन चीज आवश्यकता हुआ क्योंकि हम जनता के बीच में जाके जनता से पूछ के जनता के राह सलाह सुझाव लेके जनता के काम पूरा करते हैं। ड्यूटी कर जाते हैं। ड्यूटी कहने के मतलब हम चुनाव के पहले भी कह रहे हैं अति जनता का अगर साथ 12 घंटा दिए हैं तो हम 24 घंटा करते हैं। वह काम हम करते जनता हमारा यही बात है आप खुश भी जगह हाँ तो वैसे हमारे जनता अब कितना खुशी बांटे वैसे थे हमारे अब हर एक जगह में देखा जाते हर एक कार्यालय में ये जो नाता बात कृपा बात में अड़ रहा या हमारे बोली बात भी कहा इसका जी कि वाला काम भी उस सब जो कार्यालय के कर्मचारी लिए आज अपना बोली बन सके कि अड़के लिए रहना कि यहाँ सिस्टम कैसे बना सिस्टम यहाँ ही संभव। आज नव निर्वाचित ओम सतिया गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद यादव हम हुई। वास्तव में आज जो आप कहा जाता नाता माता कृपा बात हम चुनाव के पहले भी कह रहे थे कि चुनाव जीतब और ना जीतब तब भी हमारा आज हम जनता सब जनता हमारा हूँ हम जनता को हमसे कोनो भेदभाव नातावाद कृपावाद कुछ नहीं बा हम एक सम्मान सबके जानी ला वही हिसाब से सब हमारा हो हम सबके हूँ। एक बात कर गई हमें कि अब जो है ई कार्यालय में सेवा गरीब आटे हमें वहाँ से भी कुछ सोच सकते हैं झगड़ा कैले हैं वही करते हैं निवेदन लिखाए ली हैं हमार काम कैले हैं शनाखत वनाखत कैले हैं। नाम आय देवी थारू हो हम लोरौली से अलबाटी किसी की चाहे जो चीज चाहे जो समस्या रहला हम तुरंत फोन करी ला तुरंते फोन हमार उठा के हमार जो जो हमार कर मैंने हम नहीं जो हम पूछ ले सदस्य से कि मैंने है वो काम करेगा हमके और कैसे हो तो तुरंते बता देने और भी जब बुला देगा चाहे जब मैंने जब फोन से नहीं होगा बात रहा हमारे घर आके हमारे गाँव में आके सबसे मैंने पूछ के सबसे कैसे बता देंगे। चुनाव पहले ही हमन के मेरे मेरे घर बार करवानी तब जैसे कि हरदम आवाज जात हमारे जान पहचान रहे तो कौन समस्या रही तो कहे कि मैंने कौन चीज मैंने काम हुई कौन समस्या रही तो बताइए काम पता मैंने हमारा काम हमारे लायक है तो हम काम कह दे कह के तब हमारे के मैंने गाँव में कौन चीज़ रहे तो हम जब ऐसा लाभ लिया जाए अब जीतने के बाद भी अब और ज़्यादा होगा।
माँ इनल यादव श्री जन जागृति मावी स्कूल को शिक्षक हो। हमारे विद्यालय में गर्मी को कारण ले बिदा थी राजा विद्यालय व्यवस्थापन समिति को मीटिंग भएको हुँदा विद्यालय आएको बेला इस वडा अध्यक्ष को कार्यालय में आएर बस्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो कार्यक्रम भइरहेको हुँदा म यस वडाले दिएको चाहिँ सुविधा र चाहिँ कार्यशैली को कुरा को सन्दर्भमा वहाँ जितेपछि हाम्रो विद्यालयलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र साथसाथै यो वडा भित्र रहेका चारवटा विद्यालयमा उहाँले शैक्षिक विकासको निम्ति उहाँले धेरै भौतिक निर्माणमा पनि बजेटहरू छुट्याउनु भएको छ। खास गरेर गरिब दलित र विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई कक्षा एकदेखि छसम्मका विद्यार्थीहरूलाई अरू विद्यालयमा एकदेखि पाँचसम्मका वडाभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई र हाम्रो जनजागृतिमा एकदेखि छसम्मका विद्यार्थीहरूलाई झोला वितरण कार्यक्रम आफ्नो वडाबाट चाहिँ दिएर यो सराहनीय काम गर्नुभएको छ र अन्य काममा हेर्दा पनि यस वडाभित्र थुप्रै बाटोघाटोहरू बन्नुभएको छ। त्यसमा कृषि सडकहरू र पुरानो बाटोमा पनि पिचको चाहिँ काम कहीँ पट्टी ढलान र कहीँ ग्रेभलको कामहरू गर्नुभएको छ र तमाम मतलब जनसुनवाईको उसमा पनि आफ्नो न्याय र अन्याय छुट्याउने काम निकै चासो लिएर गर्नुहुन्छ र नियमले पुग्ने काम जति पनि उहाँले सब प्रक्रिया सबै जनताको काम समयमै गर्नुहुन्छ। हामी आज बाटी लोहरौली चाहिँ वार्ड नम्बर 3 राम जानकी मन्दिरके हम उठादिछु। मन्दिरके खति मन्दिरके लिए त यहाँको वार्ड नम्बर 3 के अध्यक्ष ज्यू र शुक्ला ज्यू फोटो सामृति हरिजन ये सब बहुत अच्छा से जानबा मन्दिरके विषयमे खेती लोगनके बा कि कैसे हमरे लोग पर्यटकीय स्थान बनाए दिहल जाइए यहाँ तक सोच ये लोग बने। हाँ तो आप खुशी रह गई भाई अवार्ड करा ले खुशी बाटी आज इन लोगों के काम देख के बहुत खुश बाटी हूँ। जन सेवा भी बहुत अच्छा से कई रहा बाटे। मेरा नाम फोटो सलमान। अब पहला भन्दा र अहिलेको मा त जमीन आसमान को फरक छ। पहला भन्दा खेरि के थियो बजेट पनि हाम्रो थोरै थियो अहिले बजेट पनि फालाफाल छ तर के छ कि पहिला अलिकता कहीं न कहीं मिस्टेक थियो किन अब कहिले भैरवा जान पर्ने त कहिले गाविसमा आउन पर्ने त्यसले गर्दा धेरै झन्झटिलो थियो अहिले गाउँपालिकाले गर्दा अलिकति सजिलो भएको छ र काम गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ चाहे रात हो चाहे बिरात हो जतिखेर त्यो सेवाग्राहीले फोन गरिदिनुहुन्छ उतिखेर उहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँले जसरी जागिरे मान्छे हुन्छ जागिरे मान्छेले त्यति ध्यान दिँदैन तर त्यति उहाँले ध्यान दिनुहुन्छ अब बाढी आएको बेलामा पनि उहाँले दुग्रेर आउनुहुन्छ पहिरो अब पहिरो त हाम्रो यहाँ आउँदैन तर अब जस्तै दैविक प्रकोप भयो कहाँ घाम भयो कहीँ बतास भयो कहीँ के भयो त्यस्तोमा सेवाको लागि उहाँ दिनरात खटेर दुग्नुहुन्छ र प्रत्येक घर घरमा गएर सोध्नुहुन्छ के तपाईँहरूले चाहिन्छ के खाँचो छ के मैले पुरा गर्न सक्छु सकेसम्म अब जुन त अब जे सक्नुहुन्छ त्यसको कुरै गरेर त अब केही मतलबै छैन तर जे सक्नुहुन्छ त्यो उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ। हम सतिया गाँवपालिका के वार्ड नंबर 3 के हमारे घर लोहरौली हो ओरा सदस्य थी हमारे बैठक करके समझ के जमन कार करे बोला और टोला नगरी जी बा दीदी बहनी भाई जैसे समझ के अपन हमारे काम कर जाता। मेरा नाम मीरा धवा आटी फरसा को वार्ड नंबर 3 हम सतिया वार्ड सदस्य हमारे के जैसे पाँच जना बाटी पाँच जना में अपन सर सलाह मिला के जन हमन के कारोबार करल जाला अपन सजन एकता होके जुट के अपन जन निर्णय कर रहला हमन के उ सब निर्णय कर जाला और निर्णय कर के होके पूरा कर जाला हमन के मांग अपन जन असत्ता पड़ला तन अध्यक्ष जी से अपन कहल जाला। सदा ब्रिज गुप्ता हमारे टेकना शुक्ला हो हम वड़ा सदस्य हुई हैं 3 नंबर वड़ा की सदस्य हुई हमारे पूरा सलाह होला यहाँ जनता के मांग अनुसार यहाँ का कहना संबोधन होला अधिक सलाह का करे बाकी जनता मांगे फिर सलाह के सबके प्रधान उनके वड़ा सदस्य सबके मिल के सलाह के वो चीज़ पूरा कही जाता हमन के श्री राम जानकी मंदिर में भी प्रत्येक वर्षा सीता सोई बार कही जाता
नेपाल के दूसरो ऐतिहासिक मेला भी भइल और ब्याह अनाथ के हमरे ब्याह करल जाला। प्रत्येक साल अशुद्ध हमरे वड़ा धज वह मेला की वह अनाथ की अभिभावक के रूप में रहना है। हमरे शादी के लिए विवाह के लिए पूरा और यहाँ जनता से और बाद यहाँ के व्यापारी से भैरवा से सब जगह सलाह से का कहना सब जगह कहना है। और बाद शादी के लिए हमारे महंत जी है बाटे श्री श्री 108 श्री काशी विश्वनाथ महाराज जी प्रत्येक साल ब्याह करा है। इसके काम में हमारे पूरा समिति कहाँ आवश्यकता बा वहीं आवश्यकता अनुसार हमारे उनके काम कही जा रहा बढ़िया से देख के निगरानी कई के सही हो कि कैसन के सही देख के हमारे उनके विकास कही जाला। नमस्कार, मेरा नाम सूर्य प्रसाद घिमिरे, ओम सतिया गाँव पालिका 3 नंबर वडा को पशु सेवा प्राप्ति। पशु सेवा प्राप्ति घर में आगे 1 वर्ष भन्दा बढी हुन लागिसक्यो। यहाँ को जनता मैं सकने सेवा सुविधा सब दी रखे औषधी लिन दिन में 10-12 जना नियमित अब यहाँ विशेष किसिम को गोबर जाँच करने यंत्र उपकरण खास छैन सामान्य किसिम को आफ्नो दक्षता ने भ्याए अनुसार त्यसको आधारमा उपचार गरिएको छ र सेवा गराइहरू नियमित रूपमा आउँछ त्यसको आधारमा केही उपचारहरू त्यस्तो अब जटिल किसिमको रोगहरू लागेमा त्यस्तो किसिममा चलाउने औषधि त्यस्तोहरू केही भएको छैन। अब ओडाबाट केही रकम छुट्याएर अब आउने वर्षमा सेवालाई थप मजबुत र थप राम्रो बनाउने प्रयास भइरहेको छ। उहाँ हाम्रो सेवा गराए उहाँहरूको समस्याको बारेमा बुझेर कसैलाई पनि यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यत्तिकै फर्काउने काम गरेका छैनौँ। अब कुनै कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा भए अलिकति 1-2 दिन ढिलो हुने सम्भावना हुनसक्छ, नभएदेखि सेवा गरी आएकै वखतमा हामीले सेवा दिइरहेछौँ। जनप्रतिनिधि उहाँहरू आइसकेपछि त अब त्यति बुझ्नुपर्ने पनि धेरै कुराहरू हुँदैन, किन भन्दा सबै उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि एकदम छिटो छरितो भइरहेछ, कोही पनि त्यति निराश भएर फर्काउने अथवा सेवा पाइन भन्ने गुनासो अब हामी कहाँ आएको छैन। अब यहाँहरूले सुन्नुभयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नेतर्फ हामी चाहिँ सधैँ चाहिँ अग्रसर छौँ। हामी सेवा दिनलाई जतिखेर पनि बसिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ यहाँको सेवामा त्यस्तो गुनासो छ जस्तो मैले सुनेको छैन। यो प्रक्रिया पुगिएको छैन, यो प्रमाण लिएर आउनुहोस् भनेर हामीले सम्झाएर उहाँहरूलाई बुझाएर पठाउँछौँ। त्यो बुझेपछि त्यस्तो प्रक्रिया नमिलेको काम गर्नु छ भने त्यस्तो दबाब त्यस्तो हुँदैन। बाहिरबाट खासै दबाब पनि त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन। दबाब त अलिअलि गर्नु छ नि, अब जनप्रतिनिधि उहाँहरूलाई त भइहाल्छ होइन, अध्यक्षजीहरूलाई त्यसमा पनि हामीले सम्झाएर यो हो प्रक्रिया, यो कानुन यो छ, यो अनुसार गर्न मिल्छ अथवा यो मिल्दैन, यो निकायमा जानुहोस् भन्ने कुरा हामीले सम्झाएर पठाउँछौँ। कानुन विपरीत त कसरी काम गर्छौँ भनेर त्यस्तो गर्ने कुरा आउँदैन। हामीले नपुगेको कुरो कागजलाई चाहिँ लिएर आउनुहोस् भन्ने कुरा उहाँहरूलाई सम्झाउने सेवा गरेर सम्झाउने कुरा हो र उहाँहरूले मानि पनि रहनु भएको छ। दबाबमूलक काम त कानुन विपरीत काम गर्न सरकारी कार्यले गर्ने कुरा पनि आउँदैन। सेवागरीकै बात सुन के वर्गलाई सेवा सुविधा भए जता सेवागरी खुसी भए त्यही अहिलेसम्म काम गरेको सोच फोन हिसाब से भेट्न हाम्रो के भुसुरी भाषामा कहावत भयो, मात पिताका सेवा गर सब तिर घरै गर। वास्तवमै जनताकै बिचमा यदि सेवा आदमी इच्छुक भए वास्तवमै जैसे हमन के विद्यार्थी जोने विषय में इच्छुक रहने हमें फर्स्ट क्लास के नंबर लगाए, जोने विषय में इच्छुक नहीं रहने हमें नंबर 0 नंबर लगाए। वैसे हमार आज से नहीं लगभग 30 साल पहले से मा सोच विचार जनता के सेवा प्रति हम लालासी रहनी और वास्तव में लास्ट में जनता हमार चाहना पूरा कहीं है और वास्तव में जनता के चाहना पूरे करती तम मन धन से हम लगल बाटी। जनता के कैसी खुशी है वह विषय में हम जनता आदि 12 घंटा साथ देने हम 24 घंटा साथ देते हैं। कैसे कैसे प्रस्ताव यहाँ यहाँ प्रस्ताव हमन के चुना की पहले भी ओम सतिया गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 पहले गाविसा रहा। वास्तव में हमन के ई फुलपनदेही में आज से नायक पहले से जिला से लगा केंद्र तक 113 व्यवहार रख ले, जिला से लगा केंद्र तक 113 व्यवहार आज भी 113 व्यवहार हम तो यो दावा के साथ कहा। वास्तव में यहाँ के जनता एकदम इतना बाहरी आदमी इतना कमजोर समझे ना, इतना अनपढ़ समझे ना, ओम सत्य 3 नंबर वार्ड के
कि वो कर वातावरण हम का कहीं वास्तव में वो सतिया गाँव पालिका वार्ड नंबर तीन के भाग्यशाली वास्तव में मर्द नहीं बलवान होला समय हो बलवान। तो वास्तव में ओम सतिया के वार्ड नंबर तीन के भाग यहाँ के जनता के वास्तव में जागल बा। ओम सतिया गाँव पालिका के कार्यालय यही ओम सतिया वार्ड नंबर तीन में होता। वास्तव में जनता के प्रस्ताव यहाँ मन के सबसे बड़ा समस्या सड़क तो हमन के बहुत बा, हर चारियों बा सड़क, बल्कि हमन के समस्या मरम्मत ना रहा, इतना इतना गढ़ा रहा, इतना इतना गढ़ा रहा। हम चुनाव जीतते बाद ऐसे समाज में बैठ के समाज के बुला के रासलाह सुझाव लेके वास्तव में यहाँ के जनता के मांग आए कि वास्तव में कौन सतिया गाँव पालिका में कौन ऐसा जगह ना बे वहाँ सड़क बा, बल्कि कौन ऐसा जगह ना बे वहाँ साइकिल ले जाए भी बहुत कठिनाई बा, बहुत समस्या बा। एक सड़क आप तुरंत तत्काल के मरम्मत कर जा। तो वास्तव में हम संकल्प करी गद्दा छत मुक्त घोषणा करी सबके सामने, और लगभग भादो सामान में शुरू करी भादो लास्ट ले गद्दा छत मुक्त घोषणा करके सबके सामने घोषणा भी करी। वास्तव में जनता के मांग एक नंबर में उठा, कुछ चीज हम जनता के सामने संपन्न करी। दूसरा नंबर में हमन के यहाँ जनता में गांव गांव वार्ड वार्ड में नाली ना रहा, नाली के मांग के लिए कौन वैसा वार्ड नहीं बा हमारे ओम सतिया गांव पालिका में। हर टोल में नाली जगह जगह ग्रेविल उस जनता के मांग वो पूरा कही। और जनता के भी यो आए कि वास्तव में हमन के आजकल आमा बुआ बहुत समस्या में रहने, जाड़ा महीना में गरीबी बा, जनजाति मधेसी मुस्लिम दलित पिछड़ा वर्ग के वास्तव में अवस्था बड़ा नाजुक बा, बूढ़ पिरनिया 80-85 वर्ष जेठ नागरिक के ये जनता से रास अला सुझा ले कि वास्तव में आमा बुआ लाई का के लिए ठीक पाई। वहाँ जनता के रास सुझा सब लाया कि वास्तव में हम मन के आमा बुआ के जाड़ा के सीजन में कम्बल बांटे हो, और वास्तव में हम जनता के रास अला सुझा से कम्बल ला के जेठ नागरिक 80 वर्ष के पुरेनियन के सबके मान सम्मान भी के उतने ना आए। और मांग रहा कि वास्तव में हमन के विद्यालय में गरीब असहाय लड़के झोला बहुत समस्या होला, झोला नहीं खरीद पा रहा, जनता मांग रहा। उस जनता के मांग भी हम चार स्कूल में हमारे ओम सतिया गाँव पालिका वार्ड नंबर तीन में हर स्कूल में 1-6 तक झोला वितरण भी कही। वास्तव में वो जनता के मांग रहा, जगह जगह जनता के मांग आई कि हमन के नया बाटो निर्माण होवे चाहिए, हमन के कृषि बाटो होवे चाहिए, हमन के खेते में अपने के लिए बड़ा समस्या बा। हमन के वो भी जनता के रास रास सुझाव जनता के मांग से दुई जगह पे हम कृषि सड़क भी निकल ली। जनता के मांग आई कि वास्तव में हमन के कुला सड़का ही पहले बुजुर्ग करता ना, आजकल के ऐसा लड़के बात है कि कौन ना कोड़े ने, तो हमन के कुला एकदम भटर हुआ पानी ना जाता, अध्यक्ष जी करे खबिन हमन के कुला झाड़े पड़ल, तो अब हम मन तो ना झाड़ पाई हैं। उन्हें पहन के रास अल्लाह सुझा से फिर हम कुला भी जिसे भी लगा के कुला भी साफ करेगी। अब फिर भी जनता उनमें खुश बाटें दुखित ना बाटें कि वास्तव में आज 19 साल तक जो कुला नाई साफ भर है, जो सड़क नाई बनल है, आज ओम सतिया गाँव पालिका के वार्ड अध्यक्ष नाई यहाँ के जनता के रास अल्लाह से जनता के सुझाव रास अल्लाह के हैसियत से वास्तव में जनता जैसे जैसे कहने वैसे वैसे हम करेगा। जनता हमारा अभिभावक हों, हम जनता के विद्यार्थी हों, और वास्तव में जनता के पक्ष में वकालत करेगा और जनता के पक्ष में कलम चढ़ेगा। दोनों काम के खातिर योजना पर बजट निकास होगी, बाकी का वो काम सही ढंग से नहीं करानी, यानी कि एक तो बजट पर से ना काम होगा। तो आप सब जो ना यहाँ से एक मार्फत से कौन भी काम होगा हमन के समाज में, हमन के गांव में, हमन के टोल में, चर्ची में, तो वो सबके कैसे कौन हिसाब से अनुगमन कर देगा? हाँ एकदम ठीक हो। वास्तव में जब कोनो कार्यक्रम है, कोनो योजना बनावल गई, योजना के पहले छनवा के जला योजना छनने के बाद हम हर टोल में हमारे सदस्य हम अपने स्वयं जाएगा
वहाँ गाँव के टोल के भेला बना के वह योजना के भोक्ता समिति के अध्यक्ष बनाए, अध्यक्ष बना के उनके जिम्मा दिया रहा, उनके काम में लगावा जा रहा कि तू ये काम संपन्न करा। यदि वो काम नहीं कर पा रहे उनसे हम यहाँ तक कही रहा, यही सब बाने पूछल जा कि वास्तव में तुमकी कौन सी परेशानी बा, का नहीं तू सीमेंट नहीं पावा था, ईटा नहीं पावा था, कि बालू नहीं पावा था, का नहीं पावा था। हमसे कहा, हम कॉन्ट्रैक्ट करके मिला देला और गिरा देला, भक्ता समिति वाले करें और रह गए सवाल, हर छोट करे लेकिन दे। अब हमारे नया नव निर्वाचित नया आज देश में 19 साल चुनाव में भेल, वास्तव में हम मन के कर्मचारी और हम मन के नव निर्वाचित प्रतिनिधि से जमीन आसमान के फर्क बा। कर्मचारी पहले के विज्ञ हों, कागज में माहिर बाटे, उतना हमन के भोक्ता समिति हमन के नव निर्वाचित प्रतिनिधि उतना हमन के हिसाब से जानकारी हो हिसाब से ना रहा। तभी हमन के कर्मचारी के एक नह और मासू के संबंध बना के दिल में हाथ मिला के कांध में कांध धै के लेके वास्तव में कर्मचारी के सहमति से हमन के फरछोट भी कराए कोनो बहुत कठिनाई ना बा, एकदम दमा दम होता। वास्तव में जो नाय चीज कहा गए भोक्ता समिति बना देने के बाद सोचे ना कि कैसी हो कहें कही जाए सरकारी पैसा हो, ये सब गलत हो, ये तो हम गलत साबित नाते करे लग। वास्तव में ये सरकार के पैसा ना है, जनता के पैसा हो, ये हमारे पैसा हो, हमारे ही कर देवल गई बा, हमने पैसा आएगा कि सरकार का गलत हो, ये हमने पैसा हो, हमने के विकास हो, पैसे से ना विकास हो, मने तो चाहबे करी। वह नाते हम जनता में जाइला पटक पटक अनुरोध करीला कि वास्तव में पैसे सब कुछ ना हो, आप सबके सहयोग नहीं रही तो पैसा आते है नहीं करी, आप सबके तो सहयोग चाहिए। वही हिसाब से महत्वपूर्ण चीज हम कौन वार्ड में देख रहे बाटी, और वास्तव में हर वार्ड से यहाँ के जनता जवन हमन के सौतेला व्यवहार केंद्र जिला रख ले बा, आज सबके सामने यहाँ के जनता वास्तव में छलंग पाधलो की वास्तव में होम सतिया गाँव पालिका वार्ड नंबर में कुछ हस्ती बा। अपन अमूल्य समय दर्गे कठिन अग्रणी से धन्यवाद दी चाहते एकदम धन्यवाद हो। एक नए फिर से हम उन सत्य गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के जनता के धन्यवाद दे। एक नए फिर से आप सब पत्रकार महोदय जी, मित्र महोदय, आप दोनों आके हम के उन सत्य गांव पालिका वार्ड नंबर 3 में अंतर्वार्ता लेवल गए, हम के दुख सुख सुनल गए, एक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत धन्यवाद। आदिवासी इतने गई हमने बातचीत कर ली उन सत्य गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष चन्नर प्रसाद यादव से, अतिवेशी हमन के समाज में ऐसे हमन के हर एक नगर पालिका कहा जाए या हमन के गांव पालिका कहा जाए, हर एक जगह में ऐसे अच्छा से काम हुई थी हमन के समाज के विकृति बाहर सकी और हमने असल सभी समाज के निर्माण कैसे भी अति ऐसे हमने आपसे बातचीत करते विद्यालय से मिल बा। ऐसे आप देख रहे बुद्ध समुदाय का टेलीविजन भी करते थे, आप विदेश से धन्यवाद। ऐसे हम संचालक राज भी आपसे विदा होती, नमस्ते।